Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I'm back with another video. So today's video is about the practical question we are going to solve of holding company. तो आज हम holding company का practical question solve करने वाले हैं, और practical question में जो working notes हम बनाने वाले हैं वो किस तरीके से बनाएंगे उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने जो बेसिक्स है कि हाउ टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ होल्डिंग कंपनी, वो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक थियोरी के ऊपर बेसिक वीडियो डाला है कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है, होल्डिंग कंपनी के बेसिक्स क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्किंग नोट्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, वो सारे चीज़ें मैंने उसमें प्रॉपरली एक्सप्लेन की है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वो वीडियो को पहले चेक करें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें, ताकि आपको जो होल्डिंग कंपनी के बेसिक्स है थ्योरेटिकल बेस वो उस वीडियो से क्लियर हो जाए, ताकि ये वीडियो में आपका प्रैक्टिकल जो सॉल्विंग है वो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना हो। तो होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 40,000 शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। सो एक्स लिमिटेड ने 40,000 शेयर्स एक्वायर्ड कर लिए हैं वाई लिमिटेड के। शेयर कैपिटल का सबसे पहले हमें फेस वैल्यू देखना है, फेस वैल्यू इज रुपीज 10। एक्स लिमिटेड का वैल्यू दिया है 20 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू यहां चला गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 5,20,000 रुपीज। फिर वाई लिमिटेड का वैल्यू दिया है शेयर कैपिटल का 6 लाख रुपीस। जनरल रिजर्व एक्स का है 8 लाख, वाई का 2,50,000, और प्रॉफिट एंड लॉस एक्स का 6 लाख और वाई का 3.5, दैट इज 3,50,000। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शेयर कैपिटल को चेक करना है। ध्यान से देखें, शेयर कैपिटल एक्स का 20 लाख है, वाई का 6 लाख है। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं काउंट करूं तो 6 लाख को अगर हम फेस वैल्यू 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे 60,000। फिर जनरल रिजर्व भी देखना है एक्स और वाई का, वाई का जनरल रिजर्व 2,50,000 है और वाई का प्रॉफिट एंड लॉस 3,50,000 है। तो दैट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर फर्दर एक्स लिमिटेड जो है, एक्स लिमिटेड एक्वायर्स शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2018। तो 1 जनवरी 2018 को एक्स ने वाई लिमिटेड के शेयर्स एक्वायर्ड कर लिए। अब एक्स लिमिटेड एक्वायर्स वाई लिमिटेड व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस वॉज गिवन टू यू एज 1,50,000 एंड जनरल रिजर्व का बैलेंस आपको दिया है 1,60,000 रुपीज। फिर एक अनरियलाइज स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, दैट इज स्टॉक ऑफ रुपीज 1,20,000, गुड्स परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड वेयर प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल होल्डिंग कंपनी के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, और वो बेसिक पॉइंट ये है कि एक्विजिशन किस दिन हुआ है। एक्विजिशन अगर फर्स्ट डे को हुआ है, जैसे अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें तो 1 जनवरी, अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल, तो अगर आपको डेट 1 अप्रैल या 1 जनवरी दिया है तो उसी के बेस पे हमें कैलकुलेशंस करने हैं। फिर हम रेशियोज ढूंढेंगे, फिर हम कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट में बाइफर्केशन करेंगे। कितने वर्किंग नोट्स बनते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम इसको प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करना है वो चेक करते हैं। तो आइए अभी बेसिकली इसको प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें रेशो ढूंढना है, अभी ये रेशो कैसे कैलकुलेट करें। तो जो भी क्वेश्चन हमने एनालाइज किया था वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समरी वाइज लिख दिया है कि एक्स लिमिटेड का शेयर कैपिटल की अमाउंट है 20 लाख रुपीज़, वाई लिमिटेड का शेयर कैपिटल का अमाउंट है 6 लाख रुपीज़, एक्स की इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 5,20,000, जनरल रिजर्व दिया है एक्स का 8 लाख और वाई का दिया है 2,50,000। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो एक्स का दिया है 6 लाख, वाई का 3,50,000 और एडजस्टमेंट में पी एंड एल की वैल्यू 1,50,000 है,
जनरल रिजर्व की वैल्यू है 1,60,000, स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है जो तो थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में लिखा है 1,20,000 और प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। अभी सबसे पहले हमें रेशो ढूंढना है। देखो रेशो ढूंढने के लिए अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना था कि एक्स ने वाई के कितने शेयर्स लिए। रेशो ढूंढने से पहले एक डेट ऑफ एक्विजिशन का काउंटिंग है। डेट ऑफ एक्विजिशन हमने पढ़ा था कि डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 जनवरी 2018 को। तो 1 जनवरी 2018 ये हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन है, ये जस्ट एक प्रेजेंटेशन फैक्टर हो जाएगा। अब रेशो की अगर बात करें तो एक्स ने 40,000 शेयर्स जो है वाई के परचेस कर लिए। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ऊपर देखना है वाई का शेयर कैपिटल 60,000 है, 6 लाख है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 60,000 शेयर्स होंगे। तो 60,000 शेयर्स को हम यहाँ रेशो के बेस पे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल वाई के पास कितने शेयर्स थे, 60,000 शेयर्स थे। 60,000 के दो पार्ट्स हुए, एक्स और वाई। एक्स ने कितने शेयर्स लिए, एक्स ने लिए 40,000 शेयर्स। तो 60,000 में से 40,000 एक्स के पास चले गए, तो वाई के पास कितने शेयर्स बचे, 20,000। इसका हमें रेशो लेना है। अगर हम सारे जीरो कैंसिल करेंगे तो रेशो बन जाएगा 4:2, और ये 4:2 का अगर हम कैंसिल करेंगे तो रेशो हो जाएगा 2:1। तो 2:1 हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशो बन रहा है जो आपको ध्यान रखना है अकॉर्डिंगली फॉर कैलकुलेटिंग। ये रेशो अगर राइट होगा तो आपका बाकी का कैलकुलेशंस राइट हो जाएगा। अभी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल प्रॉफिट में और रेवेन्यू प्रॉफिट में। तो उसको कैसे करें, तो उसको करने के लिए सबसे पहले जनरल रिजर्व और P&L दो रिजर्व हमारे पास है। तो जनरल रिजर्व में जो Y की वैल्यू है, Y हमारा माइनॉरिटी है, तो Y की वैल्यू हमें चेक करनी है 2,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस में भी Y की वैल्यू चेक करनी है, दैट इज 3,50,000। अब हमें एडजस्टमेंट में वैल्यू देखना है। पहला अभी मैं जनरल रिजर्व कर रहा हूँ, तो जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट में वैल्यू कितनी दी थी, 1,60,000। तो जितना भी एडजस्टमेंट में वैल्यू दिया है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट में वैल्यू कितनी दी थी, 1,60,000 रुपीज़। क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी थी जनरल रिजर्व की, 2,50,000 रुपीज़। तो हमें क्या करना है, 2,50,000 में से 1,60,000 को माइनस करना है। तो यहाँ कितना बचेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट 90,000। क्या किया मैंने, 2,50,000 माइनस 1,60,000, तो दैट इंडिकेट्स 90,000। P&L का भी सेम करेंगे। अब P&L का वैल्यू चेक करो, P&L का वैल्यू है 3,50,000, एडजस्टमेंट में है 1,50,000। तो यहाँ पे हमें लिखना है 1,50,000, और अगर हम माइनस करेंगे, P&L की वैल्यू कितनी थी, 3,50,000। तो 3,50,000 में से अगर हम 1,50,000 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2 लाख। तो रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 2 लाख। अभी हमें इन दोनों को ऐड करना है, 160 और 150, कितना हो जाएगा, 3,10,000। 90 और 2 लाख कितना हो जाएगा, 2,90,000। अब हमें रेशो में बांटना है शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड और शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। कैसे डिवाइड करें, देखो रेशो ढूंढा था हमने 2:1, तो 2:1 में 3,10,000 को हमें डिवाइड करना है। तो 3,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो हमें आंसर कुछ पॉइंट में आ रहा है। तो पहले के लिए आंसर आ रहा है 2,06,667। तो 2,06,667, और उसमें से अगर हम ये 3,10,000 को माइनस कर देंगे तो नीचे आंसर आएगा 1,03,333। फिर सेकंड वाले का भी वैसे ही 2,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1,93,333। 1,93,333 में से 2,90,000 को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा 96,667। सो ये कैलकुलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऊपर का कुछ गलत कर लिया तो ये आपके नीचे के कैलकुलेशंस भी रॉन्ग हो जाएंगे।
इसीलिए जो नीचे का कैलकुलेशंस है उसके लिए बेस ये रेशो है, रेशो अगर राइट रहा तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन राइट हो जाएगा। अब आगे का कैलकुलेशन सीखते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ढूंढना है हमें, दैट इज कैपिटल रिजर्व एट गुडविल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे होता है, तो सबसे पहले हमको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लेना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप चेक करें तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 5,20,000। फिर पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब जो एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे 40,000 शेयर्स था तो यहाँ पे हमें लिखना है 40,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 10, 4 लाख्स। फिर शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट चेक करो ध्यान से, एक्स लिमिटेड का कैपिटल प्रॉफिट में शेयर कितना है, 2,06,000। इसको एक टिक मार्क कर लेंगे, 2,06,667। तो यहाँ पे आएगा 2,06,667। अब आपको कैलकुलेट करना है 5,20,000 माइनस 4 लाख्स माइनस 2,06,667। तो आंसर मिलेगा 86,667 नेगेटिव। अगर नेगेटिव आया तो लिखना है कैपिटल रिजर्व, और अगर पॉजिटिव आया तो लिखना है गुडविल। तो ये याद रखना, कैपिटल रिजर्व कब आएगा, जब नेगेटिव मिलेगा, और पॉजिटिव आया तो क्या लिखना है, गुडविल लिखना है। सो वो ध्यान रखना है आपको सॉल्व करते वक्त, कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखना है, फिर आपको पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर लिखना है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू, फिर शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट लेना है। अब ढूंढते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सबसे पहले आएगा पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, वो भी सेम, यहाँ पे पहले मैंने 40,000 लिया था, अब नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं 20,000। सो यहाँ पे आएगा पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स 20,000 इंटू 10, दैट इज 2 लाख रुपीज। फिर शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, माइनॉरिटी कौन है, वाई है, तो शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट इसका कितना है, 1,03,333। तो इधर आएगा 1,03,333। फिर शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, वाई का रेवेन्यू प्रॉफिट में शेयर कितना है, 96,667। तो यहाँ आएगा 96,667। अब आपको प्लस करना है तीनों, 2 लाख्स प्लस 1,03,333 प्लस 96,667, तो ये सबको प्लस करोगे तो आंसर मिलेगा 4 लाख्स। तो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 4 लाख्स। काफ़ी इजी कैलकुलेशन है, फॉर्मेट अगर याद रखोगे तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अब अनरियलाइज प्रॉफिट के ऊपर एक एडजस्टमेंट डालते हैं स्टॉक के ऊपर। तो स्टॉक का वैल्यू था 1,20,000, जो मैंने एडजस्टमेंट में आपको बताया था, यहाँ पे भी समरी वाइज लिखा है, प्रॉफिट बोल रहा है 25% ऑन कॉस्ट। सो प्रॉफिट कितना परसेंट है, 25% है ऑन कॉस्ट। तो डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करना है हमें, क्या करना है, कॉस्ट को 100 अज्यूम करना है, कॉस्ट नहीं है हमारे पास, कॉस्ट में हमेशा प्रॉफिट प्लस होता है। तो प्रॉफिट कितना बोला था, 25, तो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा 125। तो अभी इक्वेशन फ्रेम करते हैं, 125 के लिए 1,20,000 का स्टॉक है तो प्रॉफिट कितना है, 25 के लिए हाउ मच, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, तो आंसर आएगा 24,000। तो ये आपका अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। सो दिस इज योर अनरियलाइज प्रॉफिट। अब एक लास्ट वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेजॉरिटी, ध्यान से, मेजॉरिटी कौन है, एक्स लिमिटेड। तो ये वर्किंग नोट्स एक्स लिमिटेड के लिए बनेगी। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू देखनी है एक्स लिमिटेड की। तो प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू एक्स लिमिटेड की कितनी है, 6 लाख रुपीज। तो सबसे पहले एक्स लिमिटेड की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दैट इज 6 लाख्स। फिर उसमें ऐड होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो हम डैश मारेंगे। फिर उसमें ऐड होता है शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, ये कहाँ से आएंगे,
शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट देखो, अभी हमने यहाँ पे भी टिक मार्क किया, यहाँ पे भी टिक मार्क किया, यहाँ पे भी टिक मार्क किया है, तो एक्स का वैल्यू कितना है, 193,333, तो वही वैल्यू बचा है, वही वैल्यू हमारा यहाँ पे आएगा 193,333। फिर अनरियलाइज प्रॉफिट जो अभी अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया है 24,000, ब्रैकेट डाल रहा हूँ, माइनस करना है, अभी आपको दो प्लस करना है एक माइनस करना है, 6 लाख प्लस 193,333 माइनस 24,000, तो ये था 7 लाख आंसर, 69,333। सो दिस इज़ दी कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो मैंने थोड़े कट शॉर्ट बेस पे आपको बताया है वीडियो को, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है कुछ पॉइंट्स तो फिर से एक बार चेक करें, क्वेश्चन को फिर से एक बार देखें, ये काफ़ी इजी मेथड है कैलकुलेट करने का होल्डिंग कंपनी के वर्किंग नोट्स। दैट्स इट, दिस वॉज फ्रॉम वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, एज वेल एज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं सो दैट आपके सारे बेसिक चीज़ें प्रैक्टिकल के साथ, थ्योरी के साथ सब कुछ क्लियर हो जाए। टिल देन, एज ऑलवेज, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।